नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। हंदवाड़ा छेड़छाड़ मामले में एक गिरफ्तार। हंदवाड़ा में एक लड़की के साथ कथित छेड़खानी के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना के बाद से उत्तर कश्मीर में पिछले एक सप्ताह से हिंसा का चक्र चल रहा है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोमवार रात दो आरोपियों में से एक हिलाल अहमद बंदे को हंदवाड़ा से गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि उससे पूछताछ की जा रही है। कथित छेड़छाड़ का शिकार हुई लड़की ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान में जिन दो लोगों का नाम बताया था, बंदा उनमें से एक है। बंदे पर आरोप है कि उसने 12 अप्रैल को इस लड़की के साथ उस समय छेड़खानी की थी जब वो हंदवाड़ा शहर के एक सार्वजनिक शौचालय से बाहर आ रही थी। भारत बांग्लादेश सीमा सील करने पर विचार, राजनाथ। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जाली रकम के प्रवाह और मवेशी की तस्करी की समस्या को रोकने के लिए केंद्र भारत बांग्लादेश सीमा को सील करने पर विचार कर रहा है। सिंह ने एक चुनावी रैली में कहा कि हम भारत बांग्लादेश सीमा को सील करने पर विचार कर रहे हैं, जिससे कि जाली नकदी और गौ तस्करी की समस्या को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले में अब तक हमने कोई कदम नहीं उठाया है, लेकिन हम चाहते हैं कि बांग्लादेश के लोग बांग्लादेश में रहें और भारतीय भारत में रहें। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है और हमारा उनके साथ बहुत मित्रतापूर्ण संबंध है और हम इसे बनाए रखेंगे। बेकाबू कार धार्मिक समारोह में घुसी, 6 लोगों की मौत, 13 घायल। उत्तर प्रदेश में देवरिया के गौरी बाजार क्षेत्र में सोमवार रात धार्मिक समारोह के दौरान बेकाबू कार ने 19 लोगों को कुचल दिया। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और 13 घायल हो गए। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पन्नाहा गांव में रात करीब 10 बजे धार्मिक समारोह में गांव के लोग नृत्य फरुआरी का नाच देख रहे थे। इस दौरान रुद्रपुर की ओर से तेज रफ्तार बेकाबू कार वहां मौजूद लोगों को रौंदते हुए पलट गई। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन बाद में गंभीर हालत देखते हुए 9 घायलों को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज भेजा गया। पुलिस ने कार सवार लोगों में से एक को पकड़ लिया है। उन्होंने बताया कि कार सवार लोग शराब के नशे में थे। कार से शराब की बोतलें भी मिली हैं।